आपका मेरे चैनल उषा ब्लॉग्स में। आज की वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ हरेला का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। हरेला ये उत्तराखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है फ्रेंड्स, खासकर कुमाऊं रीजन में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये पहाड़ का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। आज देखिए कि हमारे वहाँ हम लोग कैसे मनाते हैं हरेले का त्यौहार और क्या क्या पकवान बनाते हैं इस मौके पर, क्या क्या बनाते हैं हम लोग इस हरेले पर, और आप लोग भी सीखिए और देखिए और इंजॉय करिए और देखिए आज का वीडियो। चलिए फिर फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारे वहाँ जब ये हरेले का त्यौहार होता है तो उस दिन हमारे यहाँ मसांति के दिन, मतलब जब ये महीने का अंत आखिरी दिन होता है, तो उस दिन हमारे वहाँ त्यौहार बनाते हैं। बहुत लोग दूसरे दिन संक्रांति के दिन भी बनाते हैं, और हरेला तो मतलब दूसरे दिन काटते हैं सुबह, लेकिन त्यौहार बनाते हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते हैं, खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं और बढ़िया बढ़िया डिशेस बना के खाते हैं, जो पारंपरिक भोजन होते हैं। तो वो त्यौहार बनाया जाता है पहले दिन, मतलब जिस दिन हरेला पर्व होता है उसके पहले दिन, या बहुत लोग सुबह भी बनाते हैं, दूसरे दिन सुबह भी बनाते हैं, मतलब जो पहले दिन ही बनाते हैं, ज़रूरी कहीं दूसरे दिन सुबह बनाते हैं, ज़्यादातर मतलब पहले दिन ही बना लेते हैं। और उसके बाद भी जैसे पहले दिन मसांति के दिन बनाया जाता है शाम को त्यौहार, तो उस समय भी बना सकते हो पहले दिन भी, और दूसरे दिन सुबह भी आप कोई ना कोई डिश बना सकते हो। हमने रात को ही बनाया था फ्रेंड्स ये त्यौहार, तो हम सोच रहे थे कि दूसरे दिन सुबह खीर बनाएंगे, लेकिन फिर पहले दिन ही इतना तेली चीज़ें और बहुत सी पकवान हो गए थे, दूसरे दिन बच्चों ने मना करा, नहीं तो दूसरे दिन सुबह हम खीर बनाने की सोच रहे थे। ठीक है, अभी फ्रेंड्स बताती हूँ मैं आपको कैसे बनाते हैं ये त्यौहार। ये चावल का आटा जो आपने देखा, ये 5 बजे शाम के 5 बजे ही मेरी सास ने ये इसका मतलब बैटर बनाना शुरू किया, घोल बनाना शुरू कर दिया था। बिसार कहते हैं हमारे वहाँ चावल का, बिसार रियालना शुरू कर दिया था, मतलब जो हमारे वहाँ घोल बनाते हैं तो उसको बिसार रियालना कहते हैं, इसे जो घोल बनाने को रियालना कहते हैं। तो ये बना दिया था, इसमें इन्होंने 2-3 कटोरे चावल का आटा लिया है और उसमें पानी मिला के घोल बना रही है। अभी सिर्फ इन्होंने पानी मिला के, और आपने देखा कैसे आटे में पानी मिला के ये घोल बना रही हैं, तो ऐसे करके फिर इसके हम लोग सेल बनाएंगे। और फिर थोड़े देर में 1 घंटे बाद फिर मैंने लगभग 6 बजे के टाइम पे मैंने भी मांस पीसने शुरू कर दिए थे फ्रेंड्स। ये हमने 2-3 घंटा पहले भिगा दिए थे, 3-4 घंटा पहले भिगा दिए थे मैंने, फिर इनको धो धा के अच्छे से धो के मैं पीस रही हूँ। ये इसमें ये मिक्सी में भी पीस के बनाती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरे को फिर कल उसके मैं सिलबट्टे में पीसी हुई मांस की बढ़िया खाने का मन करा, क्योंकि फिर हम मांस की पूरी भी बनाते हैं, उसमें सिलबट्टे में पीसी हुई पूरियाँ अच्छी होती हैं। ये तो मैंने कुछ 2-3 बार मतलब पीसे मांस, तो कुछ बार तो मैंने बिल्कुल महीन किए ज़्यादातर, और 1-2 बार थोड़ा मोटा मोटा पीसा फ्रेंड्स, थोड़ा ऐसे करके स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मोटे पीस के कह रही थी मेरी सास, अगर थोड़ा महीन होते तो, मतलब जितना मैंने पीसा था उसे थोड़ा महीन होते तो ज़्यादा अच्छे रहते, लेकिन बहुत बढ़िया हुए थे फ्रेंड्स, बड़े भी और पूरियाँ भी मांस की बहुत टेस्टी हुई थी। आप भी ऐसे बनाइए, देखिए हम कैसे बना रहे हैं। जिस दिन ऐसे त्यार यार बनाना होता है फ्रेंड्स, तो जल्दी तैयारी कर देती हूँ मैं, जल्दी तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है बनानी। डेली तो हम रोटी सब्जी बनाते तो आराम से बनाते हैं हम लोग, धीरे मतलब थोड़ा लेट ही बनाते हैं, लेकिन इस दिन जैसे मांस की पूरियाँ भी, बड़े भी और सेल वगैरह बनाए थे, तो फिर मैंने जल्दी शुरू कर दिया था खाना बनाना भी।
हाँ तो फ्रेंड्स ऐसे करके फिर हमने पूरे मैंने पीस दिए थे सारे के सारे मांस या उड़द, आप देखिए मैंने ऐसे सब तैयार कर दिया था। उसके बाद में ये धनिया के पत्ते और मिर्ची, तीन चार मिर्ची काटी मैंने, हरी मिर्ची और धनिया के पत्ते भी पीस दे रही हूँ, क्योंकि वैसे नहीं तो बड़ों में एक साथ एक बार लगती है मिर्ची, तो बहुत मिर्ची लगती है, बच्चे भी खाते हैं तो पीस के भी मतलब मिक्स हो जाता है। मैं मिक्सी में भी मिला देती हूँ, बहुत कम डालती हूँ काट के, मतलब उसका भी वैसे भी डालती हूँ मैं, उसका भी स्वाद होता है, लेकिन अगर पीस सकते हैं तो और भी अच्छा होता है, नहीं तो उसका भी अलग स्वाद आ जाता है। उसके बाद फिर मैंने इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, वैसे तो मिर्ची पीस रखी थी सिर्फ कलर के लिए, बहुत कम डाला था फ्रेंड्स, और जीरा पाउडर वगैरह सारे मसाले और स्वाद के अनुसार नमक, और एक चम्मच मैंने कसूरी मेथी मैश करके मिला दी थी, इससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। ये हम आज के बड़े भी बनाएंगे और साथ में मांस की यानी कि उड़द की हम पूरियां भी बनाएंगे। देखिए मेरी हम लोग कैसे बनाते हैं मांस की पूरियां, आप लोग ही बनाते होंगे दोस्तों, लेकिन आज हमारे तरीके से भी देख लीजिए, हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिले, और आप भी ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसे लगे आपको हमारे तरीके से बनाए हुए मांस की बड़ियां और पूरियां और सेल। पहाड़ियों ने तो ज़्यादा सब नहीं बना खाए होंगे, मतलब बनाए भी नहीं होंगे तो खाए होंगे, मेरे को एक ही यही नहीं आते, सेल ही बनाने नहीं आते, नहीं तो मैं सैया वगैरह जो होता है वो भी मैं बना लेती हूँ, हमारे चावल के आटे का ही बनता है, लेकिन सेल मैंने नहीं बना रखे हैं, तो मेरी सास बना देंगी। अरे वहाँ दौन कहते हैं ये, हम जो बिसार आ गए मेरी सास ने डाला था, मतलब ये बैटर तैयार किया था या बिसार तैयार किया था, उसमें मिलाते हैं। ये ऐसा होता है, पहले ये पौधा होता है उदाल का, उसकी जड़ होती है ये, तो पीस के ऐसे पाउडर बनाते हैं, ये आगे मैं भी पीस सकती थी, पीस के पाउडर बना सकती थी, या थोड़ा गीला भी पीस सकते थे आप, ऐसे सूखा ही पीसते हैं इसको, पानी मिला के नहीं पीसते हैं, ऐसे पाउडर बनाते हैं, जितना बारीक उतना अच्छा होता है, थोड़ा मोटा भी हो तो चल जाएगा। अगर आपके पास दौन नहीं है तो आप भिंडी, दो भिंडी भी आराम से, मैं एक दिन आपको भिंडी पीस के बताऊंगी सेल, आराम से मतलब खूब अच्छे से पीस के सिलबट्टे में पहले कूटे कूटे आप या थीचें, हमारा थेसना कहते हैं उसको, और फिर उसके बाद आराम से पीसें, या मैंने बताया आपको केले मिला के भी बन जाते हैं माड़े, तो हम मैं गेहूं का आटा मिला के भी बनाती हूँ, एक चम्मच या दो चम्मच। ठीक फ्रेंड्स, जो हमने घोल बना बिगा रखा था, तीन साढ़े तीन घंटे पहले बिगा रखा था हमने लगभग, आप इतना भी नहीं बिगाते हैं तो आप एक घंटा पहले या कम से कम आधा घंटा पहले या 15-20 मिनट पहले, टाइम कम है तो 15-20 मिनट पहले बिगा के भी ठीक हो जाएंगे, या 10-15 मिनट पहले बिगाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ज़्यादा फूलेंगे सेल और लेकिन होने को तो टाइम नहीं है, तो इस समय भी बन जाएंगे लेकिन अच्छे नहीं बनेंगे उतने, तो आपने 10 मिनट तो कम से कम बिगाने पड़ेंगे, 10 या 15 मिनट ये चावल का आटा ये जो बैटर है इससे 10-15 मिनट ये बिसार को बिगाना पड़ेगा। इसमें इन्होंने एक चम्मच दौन जो मैंने बताया था आपको थोड़ा पहले वो मिलाया है, और तीन केले पके हुए केले मिला रखे हैं फ्रेंड्स, जिस जो प्लेन्स वाले केले होते हैं देसी केले कहते हैं हमारे वहाँ, पहाड़ी केले बाकी अच्छे रहते हैं, उनमें भी दुधिया केले बाकी अच्छे रहते हैं, लेकिन वो हमेशा मिल नहीं पाते हैं, तो जो प्लेन्स के केले या जिन्हें देसी केले कहते हैं वो मिला रखे हैं, इनसे सेल बहुत अच्छे बनते हैं, और इनमें चीनी भी मिला रखी है फ्रेंड्स, क्योंकि मीठे सेल बाकी पसंद करते हैं मेरे बच्चे, एक तो इन्होंने सादे बनाए या कम चीनी वाले बनाए अपने लिए, मतलब बिल्कुल सादे बनाए लगभग, और मेरे हस्बैंड भी अच्छे मानते हैं वो भी, लेकिन मीठे सेल भी अच्छे मानते हैं, तो उनके लिए वैसे सेल भी बनाए हैं। अब ये बैटर तैयार करके रख रही हैं, ये पहले बहुत प्रैक्टिस थी फ्रेंड्स, अब जो छूट गई है लेकिन फिर भी पका लेती हैं अभी भी, पहले तो बहुत अच्छे बना लेती थी ये, अभी भी पका लेती हैं, ये पका लिया था इन्होंने लेकिन फिर भी पहले बहुत थी ना प्रैक्टिस। अब ये देखिए ये मांस की, अब उन्होंने उसको छोड़ दिया है उन्होंने, अब ये मांस की पूरियां बना रही हैं, इसमें इन्होंने अंदर मांस भरे हैं और ये चकला बेलन से नहीं हाथ से ही बेल लिए हैं फ्रेंड्स, ये एक आटे का लोई लेके इन्होंने उसके अंदर मांस भरे हैं, देखिए अभी कैसे बेलते हैं करके मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, और ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से फूल गई है पूरी, ये बहुत बन अच्छी बन गई है पूरी, ये कलर ही बढ़िया गोल्डन हो गया है इसका। एक पूरी जो पहले बनाई थी वो तो थोड़ा ज़्यादा तेल बहुत गर्म हो गया था, क्योंकि घोल बनाने में भी था इनका ध्यान, तो बिसार बनाने में भी था, तो थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गई थी या थोड़ा जल जैसी गई थी, वो उसमें दिख रही है वो, लेकिन ये अच्छी बनाई इन्होंने, हल्की गोल्डन बनाई है। देखिए फ्रेंड्स ऐसे करके इन्होंने एक ली आटे की लोई और उसको थोड़ा बेला इन्होंने, जैसे हम बेलन बेलते हैं वो चकला बेलन से बेलते हैं, तो इन्हें उसकी भी ज़रूरत नहीं है,
मतलब हल्का सा उसकी छोटी सी, जैसे हम एक लोई की छोटी सी लोई जैसी बनाते हैं, छोटी सी रोटी जैसी बनाते हैं, जैसे उनमें आलू के परौठे में आलू भरते हैं, तो वैसे ही इन्होंने मांस भरे इनमें और ऐसे बना रही हैं। लेकिन जैसे हम रोटी के लिए या परौठे के लिए बनाते हैं, रोटी के लिए बनाते हैं, वैसे बनाए इन्होंने और ऐसे करके इसमें ये मांस भर रही हैं। और अभी हाथ से ही आप देखिए, हाथ से ये कैसे पाथ रही है, मतलब रोटी कैसे बेल ली है हाथ से ही, ऐसे करके बनाते हैं ये मांस की पूरी। ये ऐसे करके इन्होंने 3-4 पूरियाँ बनाई थी मांस की। और ज़्यादा बच्चे तो बड़े वगैरह या सेल वगैरह ही खाते हैं, लेकिन मांस की पूरियाँ ऐसे करके 3-4 हमारे लिए बनाई थी, तो फिर एक पूरी बच्चों ने भी खा ली थी। ये बड़े बना रही हैं, देखिए ये सिलबट्टे में पिसा हुआ है, ये अच्छा थोड़ा मोटा पीस गया है, ऐसा ही अच्छा होता है मतलब ये बड़ों के लिए। मतलब कुछ मैंने थोड़ा मोटा पीसा था, देखा होगा आपने, और बीच बीच में मैंने बहुत बारीक भी करा था। मतलब ये है कि आप पूरा मोटा मत बनाइए, थोड़ा आप एक बार थोड़ा मोटा पीसिए, तो फिर बाद में आप बिल्कुल महीन बनाइए, और बीच में और आप मोटा पीस सकते हैं। मतलब 4 बड़े बना रही हैं ये, इसके बाद बचे भी मैं बनाऊंगी। इन्होंने मांस की पूरियाँ तो बना दी, ऐसे बना रही हैं सेल, सिंपल और आसान तरीका और बहुत अच्छा तरीका स्वादिष्ट खाना बनाने का। देखिए ये बन गई पूरी भी, बहुत अच्छा कलर आया है। ये पहली पूरी थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गई थी, लेकिन इन पूरियों में, और वो भी जली नहीं होगी फ्रेंड्स, क्योंकि मांस तो अंदर बिल्कुल जले नहीं होंगे, और बाहर से ब्राउन दिख रही है, अंदर से ठीक हो रही है वो। ऐसे ही हमने खा रखी है, क्योंकि पहले भी तब बोल रही हूँ, लेकिन जो स्वाद बाहर की पूरियों में है वैसे नहीं आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल सही बनी है, उससे ज़्यादा ब्राउन मत बनाइए आप। जो बाहर की पूरियाँ वैसी बनाइए, पहले वाली हमारी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मतलब ये है कि खाने लायक है वो, उतना बेकार स्वाद नहीं आएगा, लेकिन स्वादिष्ट आप समझिए वही वाली पूरियाँ होंगी। हो गया होना भी इन पल्ट इनर कर दी पहली, फिर दाल में चाला। ये 4 बड़े भी मेरी सासू माँ ने तल दिए थे, और मांस की पूरियाँ भी 4 तल दी थी। उसके बाद बचे हुए जितने भी मतलब मांस के का ये पीसा हुआ जो है, उसकी मैंने फिर बढ़िया सबकी बना दी थी फ्रेंड्स, और वैसे एक दो पूरियाँ वैसे भी बना दी थी। तो फिर ये अब सेल बनाएंगी मेरी सास, ये अब मेरी सास सेल डाल ली है, लेकिन ये उतनी खुश नहीं है, ये जो बैटर है उनकी मर्जी मुताबिक नहीं बनाया जैसा ये बनाना चाह रही थी, लेकिन उतने गोल नहीं बने सेल तभी, और उतने फूले नहीं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी हुए फ्रेंड्स, क्योंकि वो अच्छी तरह से मतलब केले वेले भी मिले थे, और चीनी भी मिला रखी थी इन लोगों ने, तो थोड़ा सादी मिला रखी थी केले मिला के, और इन्होंने फिर तभी गेहूं का आटा भी मिलाया, क्या पता बनते हैं करके, लेकिन वो उतना नहीं सुधरा। लेकिन सेल मतलब ऐसे ही बनाते हैं आप देखिए, ऐसे ये जलेबी की तरह ये गोल बनते हैं ऐसे, लेकिन इतना गोल नहीं बन पाए, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी हुए थे, और क्योंकि इसमें केले का स्वाद आ गया था, और मीठा स्वाद भी आ गया था, और जो शादी अपने लिए बनाई थी उसमें भी केले का स्वाद हो गया था, और नाम मात्र की का मीठा डाला था इन्होंने, क्योंकि शुगर ये खा ही लेती है थोड़ा मीठा, उतना शुगर नहीं होता है इनको। ऐसे करके बनाइए आप, तरीका यही है, पहले बिसारिया लिए, फिर उसके बाद उसमें दौन मिलाइए और केले मिलाइए, फिर ऐसे जलेबी की तरह घुमाइए ऐसे हाथ में लेते हुए, उस बैटर को या घोल को ऐसे जलेबी की तरह मिलाए। अब ये मीठी सेल बना रही हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ये चीनी मिला रही हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे अच्छा मानते हैं और हम लोग भी अच्छा मानते हैं, अपने लिए इन्होंने सादी निकाल दी है, मतलब बिल्कुल सादी थी शायद, या डाली होगी तो बहुत कम चीनी डाली होगी। सेल बनाने का यही है तरीका, ऐसे ही बनाए जाते हैं हमारे वहाँ सेल ये, और ये खास पकवान होता है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पहाड़ में, जो भी पर्व होता है मैं खास पकवान ये ज़रूर बनाते हैं, मतलब जिन्हें आते हैं, मतलब ज़्यादातर बहुत पर्वों में बनाए जाते हैं, हमेशा भी नहीं बनाया जाता, बहुत पर्वों में बनाया जाता है ये, और पहले तो ज़्यादातर हर पर्व में बनाया जाता था,
ऐसे करके बनते हैं ये, और ऐसे यही है इसकी विधि, आप भी सीख लीजिए। ऐसे घोल के, जैसे मैंने पहले आपको माने बताए थे, वो तो मैंने आपको बता दिए थे, जो पहाड़ी डोसे होते हैं, मतलब डोसों के जैसे होते हैं। आटा और इतना बिसार बच गया था फ्रेंड्स, फिर सुबह बना दिया था हमने इसका, और ये इतनी पूरियां और बड़े बना दिए थे, इसमें से कुछ बच्चों ने खा लिए थे बड़े, और पूरियां इतनी बहुत हुई फ्रेंड्स। और शिमला मिर्ची की सब्जी बनाई थी, खाना बहुत टेस्टी हुआ था दोस्तों। दूसरे दिन संक्रांत के दिन, यानी कि जिस दिन हरेला होता है, हरेला काटते हैं, उस दिन हम सभी ने सुबह उठ के नहा धो के कर ली थी पूजा। वैसे नहाए तो बच्चों ने भी, लेकिन बच्चे तो खैर पूजा नहीं करते, हम तीनों ने कर ली थी, और ऐसे टीका पिठा लगा के फिर उसके बाद अपना मतलब पूजा कर ली थी मंदिर में। उसके बाद फिर मैं सारे कमरों में झाड़ू लगा के फिर ये सारे कमरों में पोछा वगैरह लगा रही हूँ फ्रेंड्स। फिर ऐसे करके वैसे तो रोज़ ही लगाते हैं, डेली झाड़ू पोछा होता है, लेकिन जैसे किसी दिन आपकी तबीयत ख़राब हो या आप ना कर सकें, तो इस दिन हरेले के दिन या मतलब संक्रांत के दिन ऐसे हमारे वहाँ माना जाता है कि ज़रूर लगाना चाहिए। तो ऐसे करके ये ऐसे भी हॉल में लगा रही हूँ, फिर किचन में भी सारे कमरों में लगाती हूँ फ्रेंड्स मैं। ऐसे करके भी साफ़ सफाई करके दिन की शुरुआत करते हैं। बहुत जगह तो हरेला काटा जाता है फ्रेंड्स, लेकिन हरेला बोते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पहले कम ही बोते थे, तो फिर हम लोगों ने शुरू नहीं किया है, मतलब मेरी सास नहीं बोती थी, तो हमने बोते हैं और फिर काटते भी नहीं है उसको। मेरी हमारे गांव में पहले कम ही करते थे ये वाला रिवाज, लेकिन आजकल तो सभी बोते हैं, लेकिन मेरी सास पुराने ज़माने की हुई तो वो उसी उसमें है, क्योंकि वो गांव में रहती भी नहीं है ज़्यादातर, हरेला वरेला में कभी इधर उधर भी रहती हैं, कहती भी हैं तो अब पहले नहीं, रहती भी हैं तो नहीं बोलती हैं फ्रेंड्स वो, क्योंकि अब वो सोचती हैं कि पहले नहीं लगाया तो अब कहाँ लगाऊँ या कहाँ करूँ बवाल या कहाँ लगे रहूँ इन चक्करों में। लेकिन हम लोग वैसे तो अच्छा मानती हैं फ्रेंड्स, अगर हम लोग बोते तो वो मना नहीं करती, तो लेकिन हम लोग भी नहीं लगाते हैं, लेकिन अब सोच रही हूँ कि मैं भी बोऊँगी करके अगले साल से अगर सब सही रहा तो। लेकिन जहाँ हरेला बोते हैं ऐसे बोते हैं फ्रेंड्स कि हरेले से एक हफ्ता पहले, हमारे वहाँ कुमाऊँ में हर जगह ज़्यादातर यही किया जाता है। मेरी मम्मी भी हमेशा बोती थी हरेला, वो क्या करती थी कि एक हफ्ता पहले, ये जिस दिन हरेले का त्यौहार होता है, पांच अनाज मतलब जैसे गेहूँ जौ भट्ट मांस और सरसों वगैरह, पांच अनाज एक मट्टी एक मिठाई के डब्बे में बो देती थी, मिठाई के डब्बे में या लकड़ी के पट्टे में बो देती। आजकल तो लकड़ी के पट्टे में बोते हैं, हमारे टाइम पे पहले जब हम छोटे थे मेरी मम्मी मतलब अभी भी मिठाई के डब्बों में बोती है, ज़्यादातर ऐसे ही बोते हैं, कुछ लोग मतलब लकड़ी के पट्टों में भी बोते हैं। फिर एक सात आठ दिन पहले बोते हैं तो हरेले तक वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर उसको ही काट के सुबह जिस दिन हरेले का मतलब पर्व होता है दूसरे दिन संक्रांत के दिन, वो सर में रखते हैं। और बहुत लोग पूछते भी हैं, जैसे भैया दूज में पूछते हैं वो हरेले से, ये होता है हरेले का त्यौहार। तो फिर हम लोग हरेला बोते तो नहीं है, लेकिन और सब चीज़ करते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये और यहाँ मेरे मम्मी लोग भी बनाते थे त्यौहार, वही और चीज़ों की वही परंपरा होती है, या तो शाम को बनाते हैं या सुबह, नहीं तो शाम को भी और सुबह भी बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि शाम के समय मेरे हस्बैंड ये खोद रहे हैं, ये एक पेड़ लगा रहे हैं, मतलब एक या दो पेड़ लगाते हैं हम लोग हर साल हरेले के दिन। हमारे वहाँ माना जाता है कि ये हरेले के दिन जो भी पेड़ लगाएंगे तो वो लग जाता है। एक आम का लगाया था और एक और दूसरा पेड़ लगाया था मेरे हस्बैंड ने, और ये दूसरा ये अनार है शायद, ये अनार या दाड़िम का लगाया था। फिर और इसके अलावा हम लोग हमारे वहाँ क्या करते हैं कि शाम के समय डेली एक परंपरा है हमारे वहाँ की, मेल और पाती के टहनी काट के थोड़ा गड्ढा मतलब थोड़ा खोद के खेतों में रोपते हैं, मतलब खेतों में खाली ऐसे खड्डा खोद के उसे डुबाते हैं या बोते हैं उसे, क्योंकि वो टहनी तो खैर वो लगती तो क्या है, लेकिन रिवाज है ये, मतलब थोड़ा जैसे पौधे बोते हैं, पौधों की तरह बोने के लिए खोदेंगे, फिर उसमें बो के फिर उसे मट्टी से दबा देते हैं, तो ऐसे आप कह सकते हैं कि वो टहनियों को बोते हैं या टहनियाँ रोपते हैं। तो ऐसे करके हमारे वहाँ हरेले का त्यौहार हर साल ऐसे मनाते हैं, मतलब ये रिवाज है हमारे वहाँ गांव में ऐसे ही करते, तो हम भी यहाँ, ये हमारा भी खेत है तो इसमें हम हर साल ऐसे ही करते हैं। मेल तो हमारे यहाँ पर है, पाती का पौधा कहते हैं, वो आपको कभी दिखाऊंगी, वो मेरी सास ला गई थी। और ये मतलब ये हरियाली की शुरुआत या ये सावन के महीने की शुरुआत हो जाती है, तो फिर इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हरेला। तो यह सब माना जाता है कि उस दिन लगाया हुआ पेड़ जरूर लगता है, तो मतलब यह हरियाली की शुरुआत मानी जाती है। आप भी देखिए फिर यह हरेले का पर्व या हरियाली जो भी हम लोग आज मना रहे हैं, देखिए हमारे
खेतों की हरियाली देखिए, ये बेल के पौधे भी हो गए, बेल वाले पौधे हो गए हैं फ्रेंड्स, और पौधे भी बड़े हो गए हैं अब। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गन्ने के पौधे भी टूट गए हैं, लेकिन उस दिन पहले घने हो गए थे फ्रेंड्स, हम पतले करेंगे करके फिर एकदम बारिश हो गई थी, पहले छोटे थे फिर बारिश के बाद ही बड़े ये, और उसके बाद ये कुछ तो ठीक हो गए हैं, मतलब अच्छे खड़े हो गए हैं, लेकिन कुछ तो वैसे ही हैं, और कुछ जो टूट गए हैं मैंने अब दूध वाले को देंगे। ये दूसरा पौधा जो आम का लगाया था मेरे हस्बैंड ने, देखा अभी आप लोगों ने, ये दूसरा पौधा लगा के भी आ गए हैं वो, और ये देखिए फ्रेंड्स ये खेतों की हरियाली देखिए हमारी। हमारे वहाँ मेरे मायके में और मेरे ससुराल में या हमारे हमारे इधर या हमारे यहाँ कुमाऊँ में पहाड़ में जैसे मतलब हर जगह जैसे मनाया जाता था हरेला, मैंने आपको बता दिया था, और हमारे यहाँ क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं मैंने आपको बता दिया था, और जगह के बारे वाले पकवान ही बताए, क्योंकि ज़्यादातर यही बनते हैं, कुछ अलग बनते हैं तो वो भी आप समझ इसी टाइप के होते हैं। कैसा लगा बताइए आप आपको हमारा हरेला पर्व, यहाँ के पकवान आपको कैसे लगे जरूर बताइए, आपने ट्राई किए बनाए और कैसे लगे जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट्स कर। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल का नाम है उषा ब्लॉग्स। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते।